मुजफ्फरनगर में देश की पहली और अनोखी राष्ट्रीय पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के 1200 उच्च नस्लीय सर्टिफाइड पशुओं के साथ ही करीब 50,000 किसान जुटेंगे। इन किसानों को नवीन और कृषि के क्षेत्र में उन्नत यंत्र एवं कृषि तकनीक की जानकारी देने और प्रदर्शन के लिए देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक और 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। देखिए, पहली बार भारत सरकार के दो मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, दोनों मिलकर एक पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का आयोजन जनपद मुजफ्फरनगर में पहली बार होने जा रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला होगा। आज तक इस तरह का आयोजन किसी मेले का पूरे देश में नहीं किया गया है दोनों मंत्रालय के द्वारा मिलकर। इसमें हिंदुस्तान के जो सबसे बेहतरीन पशु हैं, वो चाहे भैंस हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, वो सब लोग यहाँ, सब पशु यहाँ आएंगे। एक कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, जो पशु उसमें जीतेंगे एक तरह से आप कह सकते हैं वो हिंदुस्तान का बेस्ट पशु होगा। साथ के साथ कृषि से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी देश में अवेलेबल है, जो सीड बीज अवेलेबल है, जो पेस्टिसाइड अवेलेबल है, जो भी नई टेक्नोलॉजी देश में है, स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी हो, सरकार की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, वो सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद रहेगी, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में है, उन सब योजनाओं को बताने के लिए यहाँ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस हिंदुस्तान के जितने भी बेहतरीन कृषि और पशुपालन के साइंटिस्ट हैं, वे लोग भी दो दिन के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में आ रहे हैं। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, जो कुछ भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है, और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के सभी कॉलेज के छात्र भी इसमें भाग लेंगे, जिससे वे भविष्य में इस बात को समझ कर आगे बढ़ेंगे। 6 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी और पशुपालन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मपाल जी इसमें अतिथि रहेंगे। 7 तारीख को देश के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पंकज सिंह जी, तीनों रहेंगे। बाकी हम जिले से कपिल देव अग्रवाल जी, उमेश मलिक जी, हमारे सब लोग, हमारे जिला अध्यक्ष सब लोग हम यहाँ रहेंगे।